राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच करोल बाग इलाके में स्थित गफ्फार मार्केट में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि कई दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 35 से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं मामले को लेकर डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर सुनील चौधरी ने बताया कि सुबह 4:30 पर आग की खबर मिली। संकरी गली के कारण आग एक जगह से दूसरी जगह चली गई। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चला है। लगने कारण क्या बताया जा रहा है? अभी तो फायर फाइटिंग हो रही है, उसके बाद कितने का नुकसान हो चुका है? अभी ये कुछ असेस नहीं हो सकता, अभी सिर्फ फायर फाइटिंग। कोई हताहत होने की खबर? फायर फाइटिंग के बाद रेस्क्यू उसको देखेंगे, मंदिर जाके उसके बाद बता पाएंगे, अभी तक कोई सूचना नहीं। सर क्या कुछ कितने का नुकसान हो गया? नहीं ये अभी अंदाजा। कितनी गाड़ियां यहाँ पे? तकरीबन 25 से 30 है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही दिल्ली के रोहिणी स्थित ब्रह्म शक्ति अस्पताल में आग लगने से एक मरीज की मौत हो गई थी। आईसीयू में जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे 64 साल के हुली और ना ही उनके परिजनों ने सोचा था कि मौत इस तरह दबे पांव हादसे की शक्ल में आएगी। शनिवार सुबह विजय विहार थाने में एक पुलिसकर्मी की कॉल से हुली के बेटे संतोष को इस हादसे की सूचना मिली थी। शनिवार को रोहिणी स्थित ब्रह्म शक्ति अस्पताल में आग लग गई थी। इस हादसे में होली की जान चली गई। होली वेंटिलेटर पर थे और जब आग लगी तो उनको सकुशल निकाल लिया गया, मगर लाइट ना होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप वक्त से पाएं।